नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में, जो अपने बीचेस के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं गोवा में घूमने लायक 10 सबसे लोकप्रिय जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है मंगेशी टेंपल। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मंगेशी गांव में स्थित है, जो पणजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर सोमवार को इस मंदिर में महाआरती होती है और प्रतिमा की पालकी पर यात्रा निकलती है। इसके साथ साथ हर साल माघ महीने में यहाँ पर भव्य जात्रोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 9 पर है अरवलेम वाटरफॉल। तकरीबन 24 फुट ऊंचा यह खूबसूरत झरना पणजी से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झरने को देखने के लिए सरकार ने यहाँ पर पार्क बनवाया है और इसीलिए यह जगह गोवा की एक बेहद मशहूर पिकनिक स्पॉट है। बारिश के महीनों में यह झरना देखने लायक होता है। नंबर 8 पर है पांडवास केव। गोवा की यह ऐतिहासिक जगह पणजी से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कथाओं के अनुसार महाभारत युग में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर ही बिताया था और यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था, जो आज भी मौजूद है। स्थानीय लोगों में यह गुफा हरवलम गुफा के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 7 पर है टोना पौला। यह जगह गोवा की राजधानी पणजी का एक उपनगर है, जो गोवा के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पणजी से 7 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में स्थित है। इस जगह का नाम पोर्टुगीज शासनकाल के दौरान गोवा के वायसराय की बेटी के नाम से रखा गया था। डोना पौला अपनी शॉपिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर है। नंबर 6 पर है रिसमैगोस फोर्ट। मांडोवी नदी के किनारे स्थित इस किले का निर्माण 16वीं सदी में सुल्तान आदिल शाह ने करवाया था, जिसे बाद में पोर्टुगीज चेक पोस्ट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। यह पूरा किला लेटराइट पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर एक वॉच टावर भी मौजूद है, जहाँ पर खड़े रह के आपको मांडोवी नदी और पणजी शहर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। नंबर 5 पर है दूधसागर वाटरफॉल। यह झरना भारत का एकमात्र झरना है, जो भारत के दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर गुजरती मंडोवी नदी पर बना हुआ है। तकरीबन 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना मिल्क ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। इस झरने के सामने से ही रेलवे लाइन गुजरती है, जो यात्रियों को शानदार दृश्य प्रदान करती है। नंबर 4 पर है पणजी चर्च। पणजी चर्च गोवा की राजधानी पणजी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्च है, जिसकी बाह्य भाग की तुलना में आंतरिक भाग काफी सादगीपूर्ण है। यह चर्च अपनी जिगजैग सीढ़ियों के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ पर हर साल 8 दिसंबर को वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। रात्रि के टाइम पे इस चर्च का नज़ारा देखने लायक होता है। नंबर 3 पर है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ओल्ड गोवा में स्थित यह चर्च पणजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
गोवा का यह प्रसिद्ध चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो तकरीबन 400 साल पुराना है। यह जगह सेंट फ्रांसिस जेवियर का समाधि स्थल है, जहां पर उनके कुछ चित्रों को भी रखा गया है। नंबर दो पर है अकवाड़ा फोर्ट। डच और मराठा से सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण सन 1612 में पोर्टुगीजों ने करवाया था, जो दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। निचला हिस्सा पोर्टुगीज जहाजों के लिए बर्थ का काम करता था, जबकि ऊपरी हिस्से में एक चौंकाने वाला लाइट हाउस था, जिसमें 24 लाख गैलन से ज़्यादा पानी रखने की क्षमता थी। वर्तमान में इस किले को एक जेल में परिवर्तित कर दिया है, जो गोवा की सबसे बड़ी जेल है। और नंबर वन पर है गोवा के बीचेस। गोवा, जिसके लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है, वो है उसके बीचेस। गोवा में काफ़ी सारे खूबसूरत बीचेस हैं, पर उसमें सबसे लोकप्रिय बागा, कैलंगेट, अंजना, पालोलेम और अगोंडा बीच है। यहाँ पर यात्री स्कूबा डाइविंग, बोटिंग और कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं।